हे गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है यार। आज मैं कुछ इस तरह का एडिटिंग करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको अपना जो पोज है वो सिंपली लाइटरूम में ऐसे ले आना है। उसके बाद हमको इस ब्राइटनेस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करोगे, कुछ देर में आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। एक्सपोजर जो उसको कम कर देना हमको, और अगले स्टेप पे चलते हैं। कॉन्ट्रेस्ट जो उसको भी हम लोग थोड़ा कम ही कर देते हैं, हाईलाइट को भी थोड़ा देते हैं, और शेडो को कम कर देते हैं, वाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे फेस की क्लियरिटी आएगी। ब्लैक्स को कम कर देते हैं और चलते हैं हम दूसरे स्टेप की ओर। गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कर देना है। तो एज शॉर्ट हमने उसको कस्टम कर लिया। उसके बाद वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप पे जाते हैं, मिक्स वाले टूल पे जाके ऑरेंज टूल पे जाते हैं। इसको लुमिनस को थोड़ा बढ़ाते हैं, जिससे फेस की क्लियरिटी देखिए आ रही है, ठीक है। उसके बाद ह्यूज को थोड़ा सा कम कर देंगे। नेक्स्ट येलो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसको हम पूरा कम करके देखते हैं। कम करके तो जो मेरा बैकग्राउंड अलग दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको जिसका सिचुएशन उसको 6, 7, 8 मतलब अपने फोटो हिसाब से अपलोड कर लेना। और लुमिनस है इसको थोड़ा सा मतलब +7 या मतलब अपने फोटो हिसाब से आप लोग कर लेना यार। वीडियो बस अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ग्रीन वाले ऑप्शन पर जाके ह्यू को हमको कर देना है कम, और सिचुएशन को थोड़ा सा कर देना है बढ़ा देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाके हमको कपड़े का कलर चेंज करना है। तो उस पर हम लोग ऐसे देखेंगे, जो आप कपड़ा पहने होगे उसके हिसाब से आप लोग अपने कपड़े की सेटिंग कर लेना। ये जो टूल होता है ये सिर्फ कपड़े के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कुछ एडिटिंग कर लेना अपने कपड़ों के हिसाब से, जैसे कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेना, एक बार दो बार ना समझ में आए तो हमें कमेंट में कर देना यार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट में जरूर बताना यार। वीडियो शेयर भी कर देना दोस्तों के पास, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, और आप लोग देख रहे हो लुमिनस को मैं कम किया, क्योंकि मेरा ये जीन्स का डेनिम का शर्ट पहन रखा है, ठीक है। अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो इस पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसको हम लोग सिंपली कर लेते हैं। अब डन, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हम आते हैं उसके नीचे, उसके बाद जो क्लियरिटी है हमारी उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारा डैश को हम कुछ नहीं, बिजनेट को थोड़ा कर देते हैं कम, बिजनेट को हम कम कर देते हैं, मिड पॉइंट को भी कम कर देते हैं, फीडर जो है इसको हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, राउंडनेस को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जिससे फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाई देगा। और इसके बाद शार्पिंग को बढ़ा देते हैं। अगले स्टेप पे आकर नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देते हैं, कलर नॉइज रिडक्शन को जो बढ़ा देते हैं, और हमें कुछ ना स्मूथ जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अपने फोटो के हिसाब से। मैंने 85 कर रखा है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो फेस है इसमें स्मूथ दिखाई दे रहा, फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा। बिफोर में पिक कैसा था, आफ्टर में कैसा है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया, मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ सेव। उसके बाद सेव करके मैं इसको हाई क्वालिटी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से लाइटरूम में ऐड करता हूँ और भी ज़्यादा अच्छी इफेक्ट लाने के लिए। तो ये मैंने एक बार और इसको सेव ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना है ज़्यादा, मुझे सिंपली चले आना टेम्प वाले ऑप्शन पे, ठीक है। टेम्प वाले ऑप्शन में एज शॉर्ट को फिर से कस्टम कर देना, वाइब्रेशन को भी हल्का सा बढ़ा देना। वाइब्रेशन को हल्का सा बढ़ाने के बाद मैं सैचुरेशन जो है इसको, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जा करके जो हमारा येलो है उसको मतलब कम कर देना, जिससे हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है और ज़्यादा डार्क दिखाई देगा और अच्छी क्वालिटी आएगी, ठीक है। ग्रीन वाले को भी कम कर देना, क्योंकि यही दोनों से कलर आता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो चेंज हुआ है यार। और हमको कुछ नहीं करना, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है हमको। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसको सिंपली जो है डन कर लेते हैं। उसके बाद डन कर लेने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो मेरा बिजनेट था वो ख़राब हो गया है, पहले मैंने कर रखा था, तो बिजनेट को हम लोग थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, बाकी और कुछ हमें टच नहीं करना। बिजनेट को कम कर लेने के बाद हम इसको फोटो भी सेव कर लेते हैं। अब इसको हम ले आते हैं सिंपली पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में। आप एक जो PNG मैं यूज़ करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस फोटो पे हम ब्लर डाल लेते हैं, पहले ब्लर मैं 6 तक डाल लेता हूँ, ठीक है। 6-7 आप लोग डाल लेना, जैसे आपको अच्छा लगे। 6 यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाल लिया, नॉर्मली ब्लर कर लिया। इसको मैं ऐड फोटो पे जाऊँगा, और ये जो PNG ट्राईपॉड वाला है मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा साइज के हिसाब से फ़ोटो के हिसाब से इसको रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने सिंपली इसको लिया रख, आप लोग भी ऐसे रख लेना, और ऐसे ही आप लोग रख लेना, ठीक है। ये मैंने लिया ट्राईपॉड को रख लिया, अब फोटो बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने लाइटरूम से फ़ोटो को एडिट किया था, अभी मैं कुछ अब मैं ऐड फोटो पर जाऊँगा, लाइटरूम से जो फोटो मैंने एडिट किया था उसको ऐड करता हूँ। ऐड करता हूँ, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस फ़ोन में फिट करना। तो मैं इसलिए आप अपने फ़ोटो के हिसाब से फिट कर लेना, मैं इसको फिट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डन करके मैं इसको ले जाता हूँ, इसके ऑप्शिटी को पहले कम कर देना, फिर बढ़ा देना यार बाद में। मैं इसको ले जाता हूँ सिंपली यहाँ पे रखता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, और थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पर कर देता हूँ यार, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद में इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, जो एक्स्ट्रा पार्ट सारा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट सारा उसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब ये फोटो बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखाई देगा दोस्तों।
तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो अच्छा लगे तो बताना यार, कमेंट करके लाइक भी कर देना यार, भाई को लाइक कर दो यार, क्योंकि मेरे से वीडियो बनता है। तो ये देखिए, मैं जो एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो PNG में यूज किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये मैं इसको साइज में थोड़ा सा अच्छे से आप लोग कर लेना, मैं तो यार वीडियो में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोग, और अच्छे से इसको फिट कर लेना। मेरे को छूट भी गया मेरा, चलो अब ये मैं कर लेता हूँ सिंपली, अब डन ही यार, टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा आप लोगों का, तो मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ, डन ऑपोसिटी को पूरा फुल कर लेता हूँ। देखो फोटो कैसा लग रहा है, देखो अभी मैं इसको सिंपली डन कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, फोटो पहले कैसा था अब कैसा हो गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखना यार, बाय बाय।